Assalamu alaikum class, this is Mohammed Hashim Zia and you guys are watching Netflix by Hashim Zia. तो बेटा NED ने 2022 के लिए अपनी नई एडमिशन पॉलिसी जारी कर दी है. अगर आप NED की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चले जाएं, 2022 के एडमिशंस के ऊपर जाएंगे, वहां पे FAQ के सेक्शन के अंदर आपको एक पिक्चर मिल जाएगी. वहां पे NED ने यहां पे साफ तौर पे लिख दिया है कि अब जो इस दफा एडमिशंस होंगे उसकी पॉलिसी क्या होगी. पर ये पॉलिसी कोई नई चीज नहीं है, मैंने पहले से आप लोगों से डिस्कस करी हुई थी. वो तमाम बच्चे जो इस वक्त सेकेंड ईयर के एग्जाम्स दे रहे हैं, उनकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज काउंट होगी. यानी कि वो तमाम बच्चे जो इस वक्त सेकंड ईयर का एग्जाम्स दे रहे हैं उनकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज काउंट होगी. और वो तमाम बच्चे, चाहे वो रिपीटर्स हो, चाहे वो इम्प्रूवर्स हो, या फिर चाहे वो गैप ईयर वाले हो, यानी कि चाहे आप इम्प्रूव कर रहे थे अपना पेपर, चाहे आप रिपीटर्स थे, या फिर चाहे आप लोग क्या कर रहे थे मेरा बेटा, आप गैप ईयर वाले थे, उन तमाम बच्चों का सेकेंड ईयर का रिजल्ट ही काउंट होगा. उसके पीछे रीजन ये है कि भाई आपके पास अभी आपके सेकंड ईयर के पेपर्स चल रहे हैं. अभी जब आप वीडियो देख रहे होगे रात के 3 बजे 4 बजे, तो आपके सेकंड ईयर के पेपर्स अभी चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको जो रिजल्ट आएगा वो अगस्त सितंबर अक्टूबर तक आ रहा होगा. कोई भी यूनिवर्सिटी उस वक्त तक का वेट नहीं कर रही होगी. और ना सिर्फ ये पॉलिसी एनईडी की होगी मेरा बेटा, यही पॉलिसी तकरीबन आपके पास मेहरान की भी होगी, यही पॉलिसी तकरीबन आपके पास अल्लाह वाला करे दाऊद की भी होगी, उस्मान की भी होगी, फास्ट की भी होगी. क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी जो कराची लेवल के ऊपर होगी, जो सिंध के पर्टिकुलर जहाँ पे सिंध के इंटर का बच्चा बैठा होगा, जाहिर सी बात है क्योंकि इंटर उनका इतना लेट कंप्लीट होगा, लेट रिजल्ट आएगा, तो ऑब्वियसली उनके एडमिशन पहले ही हो जाते हैं. तो तमाम जो कराची की यूनिवर्सिटीज होंगी सारी तकरीबन इस पैटर्न को फॉलो कर रही होंगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर की परसेंटेजेस के ऊपर एडमिशन दे रही होंगी. यस, कराची यूनिवर्सिटी जो है वो वाहिद एक यूनिवर्सिटी होगी जो सेकंड ईयर का रिजल्ट कंसिडर करेगी, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन होते हैं वो दिसंबर में होते हैं. तो भाई जल्दी से मैं रिपीट कर देता हूँ ये एडमिशन पॉलिसी क्या है, तमाम चीजों को एक दफा फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ. भाई वो तमाम बच्चे जो इस वक्त इंटरमीडिएट में मौजूद हैं, वो तमाम बच्चे जो इस वक्त इसमें मौजूद हैं इंटरमीडिएट के अंदर, उन तमाम बच्चों की फर्स्ट ईयर की परसेंटेज काउंट होगी. या वो तमाम बच्चे जो इस वक्त ए लेवल्स के एग्जाम्स दे रहे हैं या दे चुके हैं, और उनका उनका रिजल्ट उनका रिजल्ट अगर अक्टूबर के बाद आता है या सितंबर के बाद आता है, यानी कि जिस टाइम पे फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके एक महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद, अगर उनका ए लेवल्स वालों का रिजल्ट नहीं आता तो उनका भी ओ लेवल्स की बेसिस के ऊपर ही एडमिशन होगा. यानी कि वो तमाम बच्चे जो सेकेंड ईयर के अंदर भी मौजूद है, या वो तमाम बच्चे जो अभी ए लेवल्स के एग्जाम दे चुके हैं या दे रहे हैं और उनका रिजल्ट जनवरी तक आएगा या लेट आएगा बहुत ज्यादा, उस सूरत के अंदर उनका भी ओ लेवल्स का रिजल्ट काउंट होगा या फर्स्ट ईयर का रिजल्ट काउंट हो रहा होगा फॉर दी सेकंड ईयर स्टूडेंट्स. और वो तमाम बच्चे जो गैप ईयर वाले हैं, रिपीटर्स हैं, इंप्रूवर्स हैं, उनका लास्ट ईयर का रिजल्ट ही काउंट होगा, चाहे वो 60 था, 65 था, 50 था, इट डजंट इवन मैटर. क्योंकि आपने मेरा बेटा उस जमाने में या तो मेहनत नहीं करी, या उस जमाने में आपका गैप ईयर था, किसी भी वजह से गैप ईयर था, तो अब आपका जो रिजल्ट काउंट होगा एनईडी साइट के ऊपर. अफसोस के साथ मेरा बच्चा, ये पॉलिसी है, कुछ कह नहीं सकते इसके ऊपर, वो आपका लास्ट ईयर का रिजल्ट ही काउंट होगा. क्लियर है? और ये पॉलिसी आपके पास एनईडी के अंदर भी फॉलो होगी, दाऊद में भी फॉलो होगी, उस्मान में भी फॉलो होगी, मेहरान के अंदर भी सिमिलर पॉलिसी ही तकरीबन होगी. मगर मेहरान की जो पॉलिसी होगी ऑब्वियसली उसमें मैट्रिक का परसेंटेज भी होगा, एनईडी में मैट्रिक का कोई परसेंटेज नहीं है. तो भाई एनईडी का मेरिट क्राइटेरिया कैसे बनेगा, यानी कि 50% आपके मार्क्स काउंट होंगे फर्स्ट ईयर के, और 50% आपका टेस्ट का वेटेज है. यानी कि आपने 50% आपका किसका वेटेज है भैया, आपकी फर्स्ट ईयर का. अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो तो आपका फर्स्ट ईयर 50% काउंट होगा. लेट्स अगर आपकी फर्स्ट ईयर में 80% थी तो उस 80 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, बीच में साइन आएगा प्लस का. अब आप टेस्ट में जितना भी स्कोर करोगे मेरा बेटा, उसके भी 0.5% होगा. यानी कि टेस्ट के अंदर, लेट सपोज टेस्ट के अंदर कोई बच्चा 60 मार्क्स स्कोर करता है, तो मेरा बेटा ये 60 भी 0.5 से मल्टीप्लाई होगा. तो जो 80 आपकी परसेंटेज थी फर्स्ट ईयर की या इंटर की, उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करना है. प्लस का सिंबल के बाद जो आपका टेस्ट का स्कोर होगा वो भी 0.5 से मल्टीप्लाई होगा. तो आपके पास जो नेट रिजल्ट आएगा वो आपकी नई परसेंटेज होगी, वो नया मेरिट होगा जिस पे आपको एडमिशन मिलेगा. और रिमेंबर दिस थिंग, अगर आपने टेस्ट में मेहनत नहीं करी और आपके मार्क्स कम आते हैं, फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर 80 into 0.5 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 60 into 0.5 क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात 30 हो जाएगा. तो 40-30 क्या बन गया आपके पास, 40-30 सिंपल तरीके से आपके पास अराउंड 60 to 75 का बन रहा होगा. ऐसा ही है मेरा बच्चा, 70 के लगभग का मेरिट बनता है. तो 70 के मेरिट के ऊपर आप भूल जाएं, आपको कोई अच्छी फील्ड मिलेगी. मेरा बेटा 70 के मेरिट के ऊपर थकी हुई तो कोई फील्ड
फील्ड मिल सकती है, इकोनॉमिक्स वगैरह या कोई पेट्रोलियम शेट्रोलियम, मगर कोई अच्छी ढंग की फील्ड नहीं मिलेगी इस मेरिट के ऊपर। तो यानी कि आपने 50% आपका टेस्ट मैटर करता है, 50% आपका इंटरसाइट मैटर करती है। तो भाई इंटरसाइट के ऊपर यानी कि फर्स्ट ईयर लेवल आपको जो फर्स्ट ईयर में आपने मेहनत करी थी वो मैटर कर रही है, और जो रिपीटर्स या गैप ईयर वाले हैं उनके लिए ऑब्वियसली क्या मैटर कर रहा है, उनकी लास्ट परसेंटेज। अब मैं यहाँ पे दो बातें कर देता हूँ। मुझे मालूम है आप में से बहुत से गैप ईयर वाले परेशान हो जाएंगे, सर अब क्या करें, सर इतनी मेहनत कर रहे थे हम तो गैप ईयर के पेपर के अंदर, अब क्या करें। तो भाई देखो, कराची यूनिवर्सिटी का एक तो टेस्ट आपके पास दिसंबर में आएगा, तो उसके अंदर आपकी जो सेकंड ईयर की परसेंटेज होगी वहां पे हेल्पफुल हो सकती है। व्हाइल मैं आपसे दो बातें यहां पे बड़ी क्लियरली कह देता हूं। अच्छा, उससे पहले मैं एक और बच्चों का जिक्र कर लूं, एडिशनल पेपर वालों का। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बायोलॉजी के होते हैं, वो एडिशनल पेपर्स देते हैं एडिशनल मैथ्स के, ताकि अपने प्री मेडिकल से करो प्री इंजीनियरिंग कन्वर्ट करवा लें। मेरा बेटा, ऐसे बच्चों के लिए डायरेक्टली तो कोई पॉलिसी नहीं होती, मगर अगर इनकेस आपका रिजल्ट लेट आता है तो मोस्ट प्रोबेबली आप एलिजिबल नहीं रह पाओगे। जो वो बच्चे जो अपना बोर्ड चेंज करवा रहे हैं, लेट्स सपोज वो प्री मेडिकल के थे और आपको प्री इंजीनियरिंग में कन्वर्ट करवाने के लिए एडिशनल मैथ्स के पेपर दे रहे थे, तो ऑब्वियसली आपका जो पेपर्स का रिजल्ट होगा वो नवंबर तक आएगा या अक्टूबर एंड तक आएगा, उस तक एनईटी आपके एडमिशन का वेट नहीं कर रहा होगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो अपने प्री मेडिकल के बोर्ड वाले प्री मेडिकल के सब्जेक्ट्स के ऊपर ही एनईटी में अप्लाई करिए और उस सूरत के अंदर किसी फील्ड में एडमिशन ले लीजिए, या फिर एक ऑप्शन ये कि आप एनईटी विजिट करिए, उनसे जाके दरखास्त करिए कि भाई, या बोर्ड ऑफिस स्पेशली विजिट कर लीजिएगा बोर्ड ऑफिस, और वहां से जाके दरखास्त करके उनसे पेपर बनवा लीजिए, एप्लीकेशन वगैरह। वैसे ऐसा होता नहीं कि मेरा बेटा, मैंने एडिशनल वालों को पढ़ा चुका हूं, मैं बहुत ज्यादा पढ़ाता रहा उनको अपने पर्सनल लाइफ के ऊपर। जिस जमाने में मैंने अपना टीचिंग कैरियर स्टार्ट किया, तो जमाने में एडिशनल वालों को मैंने बड़ा पढ़ा है, इसलिए मुझे उसका आइडिया है कि वो बेचारों के लिए कोई फरियाद सुनता नहीं है। सो द पॉइंट इज दैट कि यार, आपके पास दो ही चॉइसेस हैं, या तो एनईटी विजिट करके उनसे दरखास्त कर दो कि भाई आपका लास्ट जो आपका मेडिकल वाला रिजल्ट था उसी को मैथ्स में कन्वर्ट करके कन्वर्ट कर लिया जाए, नहीं तो आप एनईटी का फॉर्म एज अ प्री मेडिकल स्टूडेंट तो भर सकते हो या प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट भर सकते हो, आपका जो नया रिजल्ट होगा उस वक्त आया हुआ नहीं होगा, तो फिर आप या कराची यूनिवर्सिटी साइड पर अप्लाई कर सकते हो। तो एडिशनल पेपर वालों को इसलिए मैंने क्लियरली डिफाइन कर दिया कि उनके लिए क्या रोल होगा। अब मैं यहाँ पे दूसरी बात करने वाला हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इस लेक्चर का, इस वीडियो का निचोड़ है, कि भाई वो तमाम बच्चे जो परेशान हो रहे हैं कि सर हमने फर्स्ट ईयर में हमारी परसेंटेज कम है, हमने तो सोचा हुआ था कि सेकंड ईयर में मेहनत कर लेंगे, या वो बच्चे जो सोच के बैठे हुए थे यार हम गैप ईयर लेके पढ़ लेती हैं, या इंप्रूवर्स थे या रिपीटर्स थे, वो तमाम बच्चे अब क्या करें। मेरा बेटा देखो, टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है, टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। बाखुदा टेस्ट में जितनी मेहनत करोगे उससे सब फर्क पड़ेगा, क्योंकि लास्ट ईयर के ऐसे भी गैप ईयर्स वाले मौजूद हैं जिनकी परसेंटेज 90s में थी और उनको लास्ट ईयर टेस्ट क्लियर ना करने पे एडमिशन नहीं मिला था। तो भाई टेस्ट क्लियर करोगे तो कुछ होगा। मैं आपको इसकी पर्सनल एग्जाम्पल दे देता हूँ कि भाई लास्ट ईयर एक नमूने को मैं जानता हूँ जिसकी 90+ थी बोर्ड के अंदर परसेंटेज, सिर्फ 3 पेपर हुए थे, मगर उस नमूने का टेस्ट तक क्लियर नहीं हुआ था, ये टेस्ट के अंदर उसके मार्क्स बहुत कम थे तो उसको एडमिशन नहीं मिला था। तो भाई अगर आपकी परसेंटेज जहां मैटर कर रही है वहां पे टेस्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंस का हामिल है, तो खुदारा टेस्ट के ऊपर मेहनत करें, टेस्ट की चीज को समझिएगा, ये टेस्ट वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, मैंने उसके आपको तरीके बता चुका हूं। भाई टेस्ट के लिए तमाम यूट्यूब चैनल पे कंटेंट वाले फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है, अगर फ्री में पढ़ना चाहते हो मेरा बेटा सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। नहीं तो वैसे मैं अपना एक एनईडी का एक लास्ट बैच स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि 4th of July से स्टार्ट हो रहा है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, एक तो ये बात हो गई। नहीं तो फेसबुक पे ग्रुप है एनईडी एडमिशन सेल, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उस ग्रुप के फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस वगैरह मेरे वहाँ पे शागिर्द बैठे हुए होते हैं वो दे रहे होंगे। नहीं तो मेरा बेटा एनईडी की इसके डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, उस लिंक के ऊपर चले जाओ, वहां पे मैंने सारी वीडियो डाली में किस तरीके से आपने एनईडी की तैयारी करनी है, किस तरीके से मैथ्स के पोर्शन को कवर करना है, फिजिक्स को कवर करना है, केमिस्ट्री को कवर करना है, इंग्लिश को कवर करना है, कंप्यूटर को कवर करना है। आप अगर चाहो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से घर पे बैठ के यूट्यूब के जरिए तैयारी कर सकते हो। क्लियर है मेरा बच्चा? तो इस पर्टिकुलर वीडियो में तमाम बातों को डिस्कस करा। लास्ट में बस एक बात करूंगा कि भाई अगर आप एनईटी की तैयारी किसी कोचिंग से करना चाह रहे हो तो खुदारा कोचिंग साइट पे मत जाइएगा मेरा बेटा, 50,000 रुपए या 60,000 रुपए कोचिंग वाले फीस ले रहे हैं ईकेट की या नस्ट के वेजेस की। उसके बहुत बेहतर ये कि अपने माँ बाप के पैसे हराम मौत में देने से बचाओ, किसी छोटे मोटी जगह से तैयारी कर लो, या फिर यूट्यूब पे सब चीजें अवेलेबल है मेरा बेटा, वहां से तैयारी कर लो। जैसे मैंने कहा कि भाई मैं एक अपना बैच स्टार्ट कर रहा हूँ 4th of July से, उस बैच की जो फीस होगी यानी कि उसके अंदर फिजिक्स भी पढ़ाई जाएगी, मैथ्स भी पढ़ाई जाएगी, केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी, और उस पर्टिकुलर बैच के अंदर तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट भी लिए जाएंगे,
प्लस उनके चैप्टर वाइज टेस्ट भी लिए जाएंगे। 25 डेज के अंदर कंप्लीटली बच्चे को 100 out of 100 स्कोर करने के काबिल बना देंगे इंशाल्लाह एनईडी। और ये बैच एनईडी के लिए भी होगा, मैरान के लिए भी होगा, दाऊद के लिए भी होगा, उस्मान के लिए भी होगा, कराची यूनिवर्सिटी के लिए भी होगा। तो इस बैच के ऊपर मैं वीडियो भी बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, और इस बैच की फीस वगैरह क्या होगी सब मैंने एक वीडियो में बनाकर अपलोड की भी है। मोस्ट प्रोबेबली जो इस बैच की फीस होगी 5,500 to 4,500 रुपए के करीब होगी, मगर इस बैच में आपको तमाम के तमाम सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। ये इस बैच की सबसे खास बात होगी। इस बात को खाली मैंने इसलिए डिस्कस करा है कि भाई टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंस करना स्टार्ट कर दो। टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। आप जब तक टेस्ट की तैयारी नहीं करोगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। भाई अगर आप मेरे से पास से पढ़ना नहीं चाहते कोई मसले की बात नहीं है, और टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं उनसे जाके पढ़ो, मगर खुदारा टेस्ट के लिए पढ़ना स्टार्ट करो। टेस्ट के लिए जब तक आप नहीं पढ़ोगे आपका कुछ नहीं हो पाएगा। टेस्ट सबसे ज्यादा मेजर रोल क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। तो तमाम बच्चे जो इंप्रूवर्स हैं या रिपीटर्स हैं, गैप ईयर्स वाले हैं, या वो बच्चे जिनकी फर्स्ट ईयर में परसेंटेज कम है, भाई टेस्ट के ऊपर मेहनत करना स्टार्ट कर दो। जैसे ही आपके पेपर्स कंप्लीट हो आपने टेस्ट के लिए मेहनत करना स्टार्ट करनी है। तभी ये 4th of July से टेस्ट ये बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश सब पढ़ाया जाएगा कि भाई वो बच्चा जो कि अभी इंटर के पेपर से फारिग होगा उसके लिए आसानी होगी कि फौरन से उसको रैपिडली रोज क्लासेस ले लेके पूरा ईकेट का कॉन्टेंट पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, फिर रैपिड टेस्ट होंगे, उसके क्वेरी सेशंस होंगी। तो अगर आप मेरे पास से पढ़ना नहीं चाह रहे भाई YouTube के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट भी मैंने सारा कंटेंट डाला हुआ है। YouTube के ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट के ऊपर चले जाओ, सारी मैथ्स के लेक्चर्स मैंने डाले हुए हैं, नेक्स्ट लेवल के लेक्चर्स हैं बेटा, एनईडी में टॉप कर लो अगर आपने वो लेक्चर्स वीडियोस देख ली। फिर फिजिक्स के अंदर फिजिक्स में लाल जी है, तलाश की फिजिक्स अकेडमी मौजूद है, केमिस्ट्री के नसीम जुल्फिकार भाई का चैनल मौजूद है, इंग्लिश की नसीम जुल्फिकार साहब का चैनल मौजूद है, डेयर सर का चैनल मौजूद है। कहीं से भी तैयारी करो बट तैयारी लाजमी करो खुदारा। ये टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। तो इस बात के लिए मैंने लेक्चर डिजाइन किया था, वो तमाम बच्चे जो परेशान चल रहे हैं आई होप अब आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। लास्ट में बस इतनी सी बात करूंगा, देखो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो सिंध की हो चाहे वो कराची की हो, वो सेकंड ईयर की बेसिस के ऊपर आप एडमिशन भी नहीं ले पाएगी। उसके पीछे रीजन ये है कि आपका जो टेस्ट का रिजल्ट आएगा वो बहुत लेट आएगा। जब वो लेट आएगा तो ऑब्वियसली उस पर एडमिशन नहीं दे सकती। तो मेरा बेटा आपने दिल छोटा नहीं करना, टेस्ट के लिए मेहनत करनी है, टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंडली अगर आपको इतना ही शौक है तो फिर कराची यूनिवर्सिटी साइड पर अप्लाई कर लीजिएगा, बट मेरा बेटा बाखुदा कराची यूनिवर्सिटी साइड पर अप्लाई करने से बहुत बेहतर है। इन चारों यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर लो, ये चारों ढंग की यूनिवर्सिटीज हैं, कराची लेवल के ऊपर बेहतरीन है। कराची यूनिवर्सिटी का बहुत बाद में दिसंबर में टेस्ट आता है, उससे बहुत बेहतर है यार इन चारों में अप्लाई कर लो, ज्यादा बेहतर ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन टेस्ट के ऊपर मेहनत करनी है, और वो तमाम बच्चे जो सेकंड ईयर के अंदर मौजूद है उनकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज काउंट होगी, रिपीटर्स की, इंप्रूवर्स की, गैप ईयर वालों की लास्ट ईयर की परसेंटेज काउंट होगी। जो बच्चे ए लेवल्स का एडमिशन ए लेवल्स कर चुके हैं उनकी ए लेवल्स की परसेंट इक्विवेलेंसी काउंट होगी, वाइल जिनका ए लेवल्स कंप्लीट नहीं हुआ हुआ होगा उनकी ओ लेवल्स की इक्विवेलेंसी काउंट होगी। और फॉर्मूला वही होगा, 50% इज योर इंटरमीडिएट साइड एंड प्लस 50% इज योर टेस्ट साइड। टेस्ट 50% है, इस बात को समझिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इसी बात में इस लेक्चर को इख्तिताम पज़ीर करूंगा कि आपकी सारी क्वेरीज आई होप कि मैंने इस लेक्चर में दूर कर दी होंगी इंशाल्लाह। सो जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।